अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुफीज मॉम्स किचन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मीठी टिकिया बनाने की रेसिपी। बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता बनती है ये। तो आपकी टिकिया भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनेगी अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। तो परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है, देख सकते हो आप ये कितनी खस्ता बनी है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 कप मैदा। इसमें ऐड कर लेंगे पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप शक्कर लिया है मैंने यहाँ पर। आप चाहे तो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 कप ऐड कर लेंगे इसमें रवा यानी कि सूजी। इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। ये शक्कर के साथ पिसा हुआ है इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आपका सिर्फ इलायची पाउडर है तो 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। सफ़ेद तिल ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है मीठी टिकिया में, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 चुटकी नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दीजिए। मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब ऐड कर लेंगे घी। तो ये 1/3 कप देसी घी है। आप चाहे तो डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मीठी टिकिया में। अब घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। इस तरह से मसलते हुए, अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें मिक्स करना है आटे को घी के साथ। घी को मैंने पिघला कर और फिर उसे रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद मिक्स किया था। इस तरह से दोनों हाथ से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने सारी चीज़ों को। देखिए इस तरह से शेप होल्ड करना चाहिए ये। अब आटे को गूंद लेंगे। तो मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे, इसमें ज़्यादा दूध नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम मिक्स करते जाएंगे। रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ करेंगे, ना ही गर्म यूज़ करना है हमें और ना ही ठंडा। तो जितना भी मिल्क ऐड होगा इसमें मैं आपको बता दूंगी। इसमें शक्कर का भी पाउडर होता है तो वो भी अपना मॉइस्चर रिलीज करता है। आटे को हमें गीला बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड साइड पर ही आटा गूंदेंगे हम। देखिए बहुत इजीली गूंद जाता है ये आटा। बस हल्के से इसमें पंच लगा लेंगे। तो 1/2 कप से बस 2-3 टेबल स्पून ज़्यादा दूध लगा था हमें इसमें आटा गूंदने में। ऊपर से कोई घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी घी है। तो 1/2 घंटा काफ़ी है इसे रेस्ट के लिए, उसके बाद हम इसकी मीठी टिकिया बना लेंगे। 1/2 घंटे बाद देखिए हमें आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेना है हाथों से। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे। अब और बिना सूखा आटा लगाए हमें इसे बेलने की कोशिश करना है। तो बेल लेंगे अब। जरूरत पड़े तो बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। इस तरह से हमें जाड़ा ही बेलना है इसे। और अब फोक की मदद से इसमें इस तरह से प्रिक कर देंगे ताकि हमारी टिकिया तलने के टाइम पे फूले नहीं। फूली हुई टिकिया अच्छी नहीं दिखती है देखने में। मैंने यहाँ एक ग्लास लिया है शार्प एजेस वाला, इससे इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये
ये जो एक्स्ट्रा डो बचा हुआ है हमारा, इसका फिर से एक पेड़ा बना लेंगे और वापस से बेलकर इसी तरह से कट कर लेंगे हम। तो इसी तरह से सारी टिकियां हम बेलकर काट लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो मीठी टिकियां देखिए हमारी इस तरह से थिक होनी चाहिए। फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल लिया है मैंने और इसे मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अब एक एक करके अपनी टिकिया इसमें ड्रॉप करते जाएंगे, ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें ऑयल को, बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे हम फ्लेम को भी। और एक टाइम पर जितनी भी इजीली आ जाए उतनी टिकिया हम इसमें फ्राई करेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे हम। और एक साइड से थोड़ी सी ये कलर आ जाए उसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे, डालते ही फौरन टर्न नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड से हल्का सा कलर आ गया है, उसके बाद मैंने इसे टर्न किया है। तो ध्यान रहे कि फ्राई करते वक्त हमें इसे थोड़ा सब्र के साथ करना है, क्योंकि ये ऑयल में फ्राई करते वक्त बहुत सॉफ्ट हो जाती है। पर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ये जैसे ही फ्राई करने के बाद रूम टेम्परेचर पे आती है तो ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हो जाती है। बस मीडियम हीट पर और मीडियम हॉट ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए हमारी टिकिया में बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है ये। तो इसी तरह से हम अपनी बची हुई सारी टिकिया फ्राई कर लेंगे। तो मीठी टिकिया की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।